इला रसूल करीम। मेरे भाई और दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, एक शख्स था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कोई नेकी नहीं, एक नेकी है। वो नेकी क्या है? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो जा रहा था रास्ते से, एक दरख्त था, वो दरख्त की टहनियाँ रास्ते में आ रही थी। अब इसने सोचा ये टहनियाँ रास्ते में हैं और टहनी किसी को लग गई, किसी भी मुसाफिर को, तो उसको तकलीफ पहुंचेगी, कांटे लगेंगे, चुभेंगे, कपड़े फट सकते हैं, जो भी उसने किया, वो टहनी काट ली। मेरा दीदो, वो टहनी काटने की वजह से सैयदुल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने उसकी जिंदगी भर के बदअमली को खत्म करके जहन्नम से निकाल बचा कर जन्नत पहुंचा दिया। एक अमल मुसलमान नहीं, इंसानियत की खैर खाई के लिए आपको जन्नत पहुंचा सकता है। अगर आप मुसलमानों की खैर खाई के लिए रोजाना कोई छोटा सा काम कर लें तो यकीनी जन्नत ही है। आज पूरी दुनिया दौड़ रही है कि जन्नत मिल जाए, वो जन्नत इतना आसान है, नमाज़ सराखों पर, हज सराखों पर, इबादत सराखों पर, तहज्जुद सराखों पर, ये पगड़ियाँ, ये सारी सुन्नत सराखों पर, इसमें कोई शक नहीं, कोई दूसरी रह नहीं, ये ज़रूरी हैं। लेकिन अगर दूसरों की खैर खैरी के काम ना किए तो मेरा दीदो गारंटी नहीं है, जितना बख्शिश के वाकियात हैं उनमें 90% बख्शिश के वाकियात दूसरों के साथ अच्छाई करने पर हैं। आइए आज से हम अच्छे बन जाएं, दूसरों के साथ रोज़ाना कोई एक अच्छाई कर दिया करें, क्या खबर अल्लाह उसी से तकदीर तब्दील कर दे और बेड़े पार कर दे और अल्लाह जन्नत पहुँचा दे। Peace be unto you.